अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ हंटर ली फ्रॉम हंटर स्पॉट। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। आज एक बड़ी यूनिक सी एक्सेसरी के बारे में बात करने लगे हम लोग। ये शूटिंग रेस्ट के तौर पर काम आती है, ठीक है। स्पॉटिंग स्कोप वगैरह इसके ऊपर माउंट हो सकती हैं, शूटिंग रेस्ट के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर लोग जो है शूटिंग स्टिक के बारे में पूछते हैं मेरे से, तो नॉर्मली ये होता है कि इस तरह की जो एक्सेसरीज होती हैं ना, वो शूटिंग स्टिक्स के ऊपर नहीं मिलती। उसके ऊपर सिंपल आपको एक वो वी सा बना हुआ मिलता है, तो ये उसकी निस्बत काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी कंफर्टेबल है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये MTM कंपनी का है जनाब। इसमें MTM के आपके शूटिंग रेस्ट भी आपने देखे होंगे, MTM के आपने प्लानो केसेस वगैरह भी देखे होंगे, इस तरह करके डिफरेंट आती है। अमेरिकन कंपनी है ये। तो आज MTM की जिस एक्सेसरी की हम बात करने लगे हैं वो आपका ये ट्राईपॉड के ऊपर ये लगता है, आपकी स्पॉटिंग स्कोप इस जगह पर आ जाती है, जैसा ये आप पिक्चर्स में देखे होंगे। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये स्पॉटिंग स्कोप लगी हुई है, ये साथ आपका जगह बनी है गन वगैरह रख के शूट करने के लिए, ठीक है। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये जगह जो है आपकी इस जगह के ऊपर, ये भी मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, ये जगह आपकी ट्राईपॉड के ऊपर सेट हो जाती है। तो इसको 7,000 रुपये कीमत है इसकी विदाउट ट्राईपॉड। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जैसा इनका शूटिंग रेस्ट आता है ना, वैसे ही इसकी भी बड़ी मज़ेदार सी रबर टाइप की जो है ना ये स्टफ़ है इसकी। और इसके अलावा इसमें बॉक्स में कुछ नहीं है, इसको साइड पर कर देते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी। तो ये है जनाब आपका, जैसे मैंने आपको बताया, ये रबर, हार्ड रबर का जो है ना ये स्टफ़ है इसका, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ये जगह मैं आपको बता रहा था कि ये जो चीज़ है ये आपकी यूज़ होती है उसके लिए, ट्राईपॉड के ऊपर माउंट होने के लिए। बाकी इस जगह के ऊपर आपकी स्पॉटिंग स्कोप जो है वो माउंट होती है। और ये इसमें स्क्रू के होल दिए हुए हैं, तो इसको इंशाल्लाह जो है वो देखते हैं अभी। ये इसमें स्क्रूज हैं, ये इसकी फिटिंग वगैरह है। ये वॉशर हैं, ठीक है, ये रबर की वॉशर्स हैं। और ये गालबन ये होगी उसकी, ये इसकी फिटिंग होगी उसके लिए, स्पॉटिंग स्कोप के लिए। ये अभी बिल्कुल सील्ड है, मतलब बिल्कुल जो ब्रांड न्यू है उसकी निशानी ये है कि ये अंदर से इसके ये कट्स बने हुए हैं। जब आप स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको ब्रेक करेंगे तो ये होल इसका खुला हो जाएगा, तो इट मींस कि ये अब यूज कैटेगरी में आ गया। तो बहरहाल अभी मैं इसमें नहीं डाल रहा इसको फ़िलहाल, जो है वो इसके साथ देख लेते हैं। ये इसके स्क्रूज़ हैं, ये इसके अंदर फिट हो जाएंगे, ठीक है। और ये वॉशर्स वगैरह हैं, इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है चाहे ट्राईपॉड पर लगाने के लिए, या समटाइम होता है ट्राईपॉड का स्क्रू थोड़ा वो गड़बड़ करता है, तो उसके लिए आपको वॉशर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आप इसको इधर रख के यूज़ कर सकती हैं। एनी वेयर मतलब यू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इन्होंने इसके साथ डिज़ाइन टाइप इसका दिया हुआ है इन्होंने, हाँ जी। ये इसमें नीचे इन्होंने वॉशर्स का भी वो दिया हुआ है। अच्छा, ये कैमरे का भी मैंने बताया हुआ है कि इसकी जगह, ये स्पॉटिंग स्कोप की जगह पर आपका GoPro कैमरा हो गया, या कोई आपका
कैम कॉर्डर हो गया, वो सारा कुछ आपका, सॉरी वो सारा कुछ जो है वो आपका लग सकता है इसमें। आप ये अगर क्लोज व्यू में देख सकते हैं इसको, तो ओवरऑल एक अच्छा गैजेट है ये, ठीक है शूटिंग के हवाले से। और अभी मैं इसको ट्राईपॉड के ऊपर लगा के तो उसकी भी आपके साथ जो है ना वो एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँगा, तो इसको असेंबल करके तो इंशाल्लाह फिर बात करता हूँ फिर इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये हमारा जो रेस्ट है वो शूटिंग रेस्ट जो है वो असेंबल हो चुका है। ये माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। स्पॉटिंग स्कोप इसके ऊपर मैंने लगाई है और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टेडी है, ठीक है। आपने सिर्फ ट्राईपॉड एक जो है वो अच्छी गेज में लेना है, ठीक है। इसके जो रबर के वो लगे हुए हैं पैड से, ठीक है, जो इसको स्लिप नहीं होने देंगे, और बाकी ये बिल्कुल माशाल्लाह जो है वो फिट चीज़ है ये। अब इसके ऊपर आप राइफल रख के देखते हैं, मतलब इस तरह आप इसके साथ शूट कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर कैमरा माउंट लगा लेते हैं तो इसके साथ आपकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब एक ज़बरदस्त ओवरऑल ये है कि ज़बरदस्त चीज़ है। बुलपप भी आप रख सकते हैं, राइफल शेप में भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, या बुलपप रखनी है कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर जो है वो रख के ईजीली सेट कर सकते हैं। ये राइफल का भी एक ये देखिए, ठीक है, ये राइफल के वाले से भी फिट चीज़ है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।